सो हेलो गाइस, आज हमारी क्लास नंबर 8 है। लास्ट क्लास में हमने मौर्यकालीन जो भी मौर्य वंश रहे हैं उनके बारे में पढ़ा है, और आज हम देखेंगे मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला, ठीक है। सो हम बेसिकली मौर्यकालीन जो कला है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है संरक्षित कला, जिसको संरक्षण प्राप्त था। एक था जो लोक कला के रूप में विकसित हुई, ठीक है। जो संरक्षित राजकीय, इसको राजकीय कला भी बोलते हैं, संरक्षित जो कि राजा का संरक्षण था इसके पास। तो इसमें एक तो आता है महल, स्तूप हो गए, स्तंभ हो गए और गुफा हो गई, जिनको चैत्य भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये तो इसके बारे में था। अब देख लेते हैं पहला महल। सो महल में क्या था, अब एक बुलंदी बाग से लकड़ी के महल के साक्ष्य मिले हैं, तो वहां से जानकारी मिलती है कि महल की जानकारी थी इनको, और कुम्हरार से राजप्रसाद रॉयल प्लेस बोलते हैं जिसको, उसके साक्ष्य मिले हैं। और यूनानी इतिहासकार रहे हैं मैग्नीस्थीस और स्ट्रम्बो, वो कहते हैं वो जो पाटलिपुत्र के महल हैं और नगर नियोजन की वो प्रशंसा करते हैं। और एरियन एरियन पाटलिपुत्र के महलों को सूसा एम एक बेतना के महलों से अधिक सुंदर बताता है, जो कि एक बेतना कहाँ पे, यूनान में जो महल हैं उनसे ज़्यादा अच्छा बताता है। और फायान चीनी यात्री के अनुसार, इस जो चीनी यात्री था उस वो कहता था ये महल का निर्माण या तो केवल देवता कर सकते हैं या केवल दानव कर सकते हैं। तो कुछ ये इतने ज़्यादा खूबसूरत थे उस टाइम पे। अब देख लेते हैं स्तूप। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार जो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जो मुख्य स्तूप है धर्मराज का स्तूप, जो कि कहाँ पे है, सारनाथ में। धर्मराज का स्तूप एक तक्षशिला में भी है। सांची स्तूप सबसे इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप कहाँ पे है, वो है भोपाल मध्य प्रदेश। बहुत ही सुंदर स्तूप है ये वाला सांची स्तूप। और एक पीपरवाह वो है स्तूप वो उत्तर प्रदेश में, जो कि ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीनतम स्तूप है। अब देख लेते हैं सांची स्तूप। एक सांची स्तूप क्यों इम्पोर्टेंट है उसका देख लेते हैं। तो एक तो इसका निर्माण हुआ था मौर्य काल के दौरान, ठीक है। तो इसलिए एक तो ये बहुत ऐतिहासिक वो रखता है ये। और दूसरा जो इसका विस्तार है, उसका सुंग वंश के जब शासन काल था इसका विस्तार किया गया। और ये जो ये क्यों फेमस है, जो इसका सुंदर तोरण है वो उसके लिए काफ़ी फेमस है ये। और तोरण के द्वार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और प्रतीक का चित्रांकन किया गया है। और इस द्वार पर भगवान की नियमित जीवन की घटनाएं भी अंकित की गई है, ठीक है। अब बोलते हैं कि स्तूप का मतलब क्या होता है। स्तूप का अर्थ होता है ढेर, ठीक है। और स्तूप का जो पहला उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिला है, ठीक है। ये चीज़ें कुछ होती हैं, और ये सांची स्तूप का मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा, मतलब उसको पिक्चर जो भी होती है। और अब स्तूप बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, ठीक है। पहला स्तूप होता है शारीरिक स्तूप, एक होता है पारिभोगिक स्तूप, एक होता है उद्देशिका स्तूप, और एक होता है पूजार्थक। शारीरिक स्तूप होते हैं बेसिकली, इनकी संख्या 8+1 है, टोटल 9 स्तूप है इन वाली। और इसमें जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं उनको रखा गया है, जैसे कि दांत हो गई, हड्डियाँ हो गई इत्यादि को, ठीक है। और जो स्तूप है उनको, मतलब जो उनके भाग थे जो भी थे उनको 8 भागों में बांटा गया था। और जो ये भाग में एक कटोरे में रखे गए थे वो वाला भी एक स्तूप अलग उसको करा गया है उस वाले में, ठीक है। और ये जो पारिभोगिक स्तूप है जिसको ऑब्जेक्ट स्तूप कहते हैं, इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे कि बुद्ध का हो गया भिक्षा पात्र, हो गया बुद्ध के कपड़े हो गए, तो जो कि पारिभोगिक स्तूप है। एक होता है उद्देशिका। उद्देशिका ये भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान में प्रतीकों का संबंधित होते हैं वाले, जो भी स्थान उनसे संबंधित है ना भगवान बुद्ध से, उसके लिए बनाए गए हैं उद्देशिका स्तूप। एक हो जाए पूजार्थक स्तूप, यहाँ ये मतलब वो है जी, ये आस्था के केंद्र के रूप में विकसित किए जाते हैं, तो उनको
पूजार्थक स्तूप कहते हैं। अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण स्तूप हैं, एक तो है पीपरवाहा, पीपरहवा जो कि यूपी में है। तो ये क्यों फेमस है, ये सबसे एक तो प्राचीनतम स्तूप है, सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है ये वाला। और यहाँ से जो वो हैं क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरा है एक हमारा बरहूत स्तूप जो कि है एमपी में, ये क्यों फेमस है, इसको द्वितीय प्राचीनतम स्तूप कहते हैं, सेकंड ओल्डेस्ट स्तूप भी कहते हैं इसे। एक धमेक स्तूप भी ऐसी प्रसिद्ध है, धमेक जो कि है सारनाथ, ये गुप्तकालीन वाला है ये वाला धामेक। तो यह एक तो ये ईंटों से निर्मित है, और ये एक साधारण स्तूप है, और यह मेदी रहित स्तूप है इस वाले पे। ठीक है, मेदी क्या होती है, तो एक तो जैसे ये वाला, ठीक है, ये स्तूप का ऐसे डिजाइन होता है, ठीक है, ऐसे एक तो ये हो गई मेदी, इसको बोलते हैं मेदी। फिर एक इसके ऊपर यह रहता है, ये अंडे जैसे आकार का, उसको बोलते हैं अंड आकार का, ठीक है। फिर इसके ऊपर होती है हरनिका, फिर उसके ऊपर होता है ये, जैसे ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं येष्टि, ठीक है। और इसके ऊपर होता है एक छत्र नाम, छत्र इसको बोलते हैं छत्र। और इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती है, उसको बोलते हैं सोपान। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको ढके रहता है उसको बोलते हैं वेदिका, जो कि वॉल बोलते हैं, ठीक है। और जो मुख्य द्वार होता है उसको बोलते हैं तोरण, इसको गेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेधी है इसको बोलते हैं मेधी, और जो धमेक स्तूप में है नहीं वाली, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब एक स्तूप है जैसे अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में, ये मार्बल वाला, एक तो ये मार्बल वाला स्तूप है, मार्बल पत्थर से निर्मित है, और इसका जो निर्माण है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, ठीक है। ये कुछ स्तूप है। अब देख लेते हैं स्तंभ, ठीक है। पहला तो एक सारनाथ स्तंभ, ठीक है, ये कहाँ पे, ये यूपी में है। और इस जो ये स्तंभ है, इसके स्थित फलक के ऊपर चार शेर मिलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ये वाला वो है, तो ये चार शेर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक भी मिलते हैं, जैसे हाथी, सांड, घोड़ा, शेर। शेर क्या है, बुद्ध का शौर्य प्रतीक है, ठीक है। और फलक पर एक अशोक चक्र भी मिलता है, और जिसमें कि 32 वो हैं तीलियां। और इंडिया के उसे फ्लैग में कितनी है, तो इंडिया के फ्लैग में है 24 और वो है 32, तो ये फर्क पूछा जाता है वो वाला, ठीक है। और अशोक के स्तंभ जो मतलब चक्र लिया है भारत, अशोक चक्र लिया है भारतीय प्रतीक के रूप में, वो अशोक स्तंभ से ही वो है लिया गया है, ठीक है। और ये इसको कहाँ रखा गया है, इसको सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। इस प्रकार एक है सांची स्तंभ, इसमें चार शेर हैं और ये सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। इसी प्रकार एक रामपुरवा स्तंभ है, और इसमें एक बैल के लिए फेमस है ये वाला। और एक ऐसी प्रकार रामपुरवा, इसमें एक शेर है। लोरिया नंदन स्तंभ है, उसमें भी एक शेर है। और एक है संकिसा स्तंभ जो कि उसके ऊपर हाथी का वो है प्रतीक, हाथी के चित्र वो वाली मूर्ति, ठीक है। और एक है वैशाली स्तंभ, उस पर शेर है। रोमबंदई स्तंभ है, उस पर एक घोड़ा का है, ठीक है। और कुछ लेकिन अब कुछ इसमें मत वो होता जाता है, जैसे कुछ इतिहासकार हैं वो बोलते हैं जो जो अशोक के स्तंभ है ना, उनको डेरियस डेरियस के स्तंभों की नकली मानते हैं, क्योंकि डेरियस एक उपाधि नाम प्रिय भी थी अशोक की इसीलिए। लेकिन वास्तव में अशोक जो डेरियस है उनकी नकल नहीं करता, क्योंकि इसके कुछ वो हैं डिफरेंस है। जैसे अशोक के जो स्तंभ हैं, एक डेरियस, इसके में दोनों में पूछा जाता है कि मतलब दोनों क्या समानता है। एक तो ये मतलब एकास्मक मोनोलिथिक पत्थर पे बने हुए हैं, मतलब एक ही पत्थर पर निर्मित है, मतलब पूरा कोई जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के नहीं बनाया। और इसको क्या करा है, अलग अलग जैसे संबल करा है, 1 2 3 और ऐसे खड़े करे हैं। दूसरा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है, ये स्वतंत्र रूप से स्थापित है, मतलब जैसे कोई महल के आगे नहीं लगे, मतलब ये एक प्ले ग्राउंड में लगे हुआ है कहीं, ये वाले स्वतंत्र रूप से विकसित है। लेकिन ये जैसे
इसको किसी महल के जो हिस्सा है उसके रूप में स्थापित कराया, मतलब स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया। और जो इसमें जो कमल है वो उल्टे उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन इसमें जो वो है इसमें कमल सीधी डायरेक्शन में है। चौथा, ये इसमें जो वो है स्तंभ में, यहाँ लेख लेख मिलता है यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन इसमें लेख विहीन है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। पांचवा, ये स्तंभ है वो सपाट है, ठीक है, बिल्कुल एकदम वैसे हैं चिकने जैसे। और ये वाले, ये स्तंभ नालीदार चिकचैक वाले वो हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े ऐसे 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 ये वाले। और इस पर जो है अशोक के जो स्तंभ है इस पर पशुओं की आकृति मिली है, पशुओं की आकृति, लेकिन इसमें मानव आकृति मिली है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि स्तंभ में है। फिर आती है गुफाएं। अब गुफाएं जो वो है, अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करा था। कौन कौन से? एक तो कर्ण चौपड़ है, एक है सुदामा और एक है विश्व झोपड़ी, ठीक है। और दशरथ ने आजीवक संप्रदाय साधुओं के लिए एक लोम हर्ष ऋषि की गुफा का निर्माण किया है। और दशरथ ने नागार्जुन हिल में गोपिका गुफा का भी निर्माण करवाया है। तो ये तो कुछ वो गई वो वाली राज के संरक्षण कलाएं। अब लोक कला देख लेते हैं, लोक कला का विकसित। अब इसमें क्या है कि मौर्यकालीन समय में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति बनना आरंभ हो चुकी थी, ठीक है, एक तो बात। और एक मथुरा के पास परखम से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है जिसे मणिभद्र कहते हैं। और मथुरा के निकट बरोड़ा से एक यक्ष की मूर्ति मिली है। और पटना के दीदारगंज में, ठीक है, दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है जिसे चमार ग्रहणी या चबर ग्रहणी भी कहा जाता है, ठीक है। और बुलंदीबाग से एक पहिया मिला है। और इसी प्रकार धौली से पत्थर को काटकर बनाया हुआ हाथी भी मिला हुआ है। तो ये कुछ लोक कलाएं हैं कि मतलब राज के संरक्षण के उसमें नहीं बनी, सिर्फ लोक कलाओं के रूप में विकसित हुई। तो ये कुछ लोक कला थी। अब देख लेते हैं मौर्य प्रशासन कैसा था। मौर्य प्रशासन क्या था? एक तो वो था, क्या बोलते हैं, जैसे कि ये एक, ये जैसे ये नॉर्थ 4 हिस्सों में बांट दें, तो एक जो ये था इसको बोलते थे ईस्ट साइड में सम्राट, और नॉर्थ साइड में जो रहते थे राजा को उसको बोलते थे विराट, और जो वेस्ट में रहते थे स्वराट, और जो वो थे एकराट। ये चार मतलब उपाधि थी इन प्रकार की। तो ये जो मौर्यकालीन था वो ईस्ट में था, तो सम्राट यहाँ के राजा को बोला जाता था सम्राट, ठीक है। और सम्राट जो था राजतंत्रात्मक ऋण निरंकुश केंद्रीकृत वंशानुगत शासन व्यवस्था थी वहाँ पे। और चाणक्य का सब सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध था इस उसमें राज में। सप्तांग सिद्धांत क्या है? एक तो राजा होगा, एक राज्य होगा, एक आमात्य जिसको मंत्री भी बोलते हैं, एक किला होगा, किला होगा तो उसमें सेना भी होगी, सेना होगी तो उसका कोष फंड होगा, और एक मित्र होगा, ठीक है। ये चीज़ें कुछ वो थी सप्तांग सिद्धांत था। अब शासक राजत्व के देवीय सिद्धांत पर विश्वास करता था, डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ द किंगशिप थ्योरी पर विश्वास करता था, इसीलिए शासकों ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करी थी। अब राजा की सहायता के लिए 18 मंत्री होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। और उनके लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती थी मंत्रियों के लिए, जिसको उपदा परीक्षण कहते थे। और जो तीन जो प्रमुख मंत्री रहते थे, जैसे तीन चार जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको उस टाइम पर मंत्रण कहा जाता था। और सम्राट अक्सर अपने मंत्रियों से सलाह करता था, जिसमें आते थे एक तो पुरोहित हो गया, युवराज हो गया, सेनानी हो गया। अब इसमें तो कुछ मुख्य तीर्थ थे। तीर्थ कौन होते हैं? तीर्थ मैंने बताया है, तीर्थ होते हैं जो कि राजा की सहायता के लिए होते थे, ठीक है, उनको तीर्थ कहा जाता था। अब जैसे मुख्य कुछ तीर्थ हैं, जैसे समाहर्ता राजस्व अधिकारी बोलते हैं, सन्निधानता दाता कोषाध्यक्ष, और आठवीं वन विभाग का प्रमुख, इसी प्रकार दुर्गपाल दुर्ग का प्रमुख हो गया है, तो ठीक है। और जो ये तीर्थ हैं इनको नियंत्रण के लिए 26 विभाग होते थे, और जिनके प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था। इसी प्रकार ये तो मंत्री हो गए, उनके विभाग हो गए 26। अब कुछ विभाग है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक तो होता है मुद्रा अध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, ये हर कोई बोलेगा कि मुद्रा से जो भी वो कंट्रोल करता अध्यक्षता मुद्रा को कंट्रोल करने वाला उसको नहीं, लेकिन ये क्या था, पासपोर्ट विभाग था ये वाला मुद्राध्यक्ष। और एक था लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा क्या है, ये था मुद्रा विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको सोचेंगे मुद्रा विभाग, लेकिन था ये लक्षणा अध्यक्ष। एक लवणा अध्यक्ष था, इसको जो नमक विभाग का प्रमुख था, गणिका अध्यक्ष, वैश्यवृत्ति विभाग का प्रमुख था,
सेनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष था, तो इस प्रकार कुछ है थे। अब देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी। ये तो थी वो वाली केंद्रीय व्यवस्था, ये प्रांतीय प्रशासन। तो मौर्य जो काल था, मौर्य वो साम्राज्य था, वो 5 हिस्सों में बैठा हुआ था, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। ये तो मुख्य था पाटलिपुत्र, यहाँ पे वो था कलिंग पथ जो कि तोसली उसकी राजधानी थी, दक्षिणा पथ सुवर्णगिरी उसकी राजधानी थी, अवंती पथ उज्जैन उसकी राजधानी थी, उत्तर पथ दक्षिण पथ अवंती पथ और कलिंग पथ, ये इनकी तोसली उसकी राजधानी, अवंती पथ की राजधानी उज्जैन, उत्तर पथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणा पथ की राजधानी सुवर्णगिरी। ठीक है, और ये जानकारी कहाँ से मिली, जो अशोक के अभिलेख हैं उससे मिली है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिली है, और जो ग्रीक हिस्टोरियन रहे हैं उनके बारे में उनसे हमें मिली है। अब देख लेते हैं सैन्य प्रशासन कैसा था। सैन्य प्रशासन बेसिकली छह भागों में विभाजित था, और उन जिनके लिए नियंत्रण हेतु 6 समितियां थी प्रत्येक, और जो समिति थी उसमें 5 सदस्य होते थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिली है, जो मेगनस्थीस वो है इसकी जानकारी करता है। और जो सेना के प्रकार थे, एक तो पैदल सेना थी इन्फेंट्री, एक घुड़सवार सेवा थी कैवलरी, ठीक है, एक हाथी सेना थी, एक रथ सेना थी, और 5वीं जल सेना थी, और एक थी रसद आपूर्ति सेना, जो कि इन सब जो भी सेनाएं रहती थी उनकी खाने की व्यवस्था वो जो भी देखती थी, खाने पीने की जो भी थी ना। ठीक है, अब आता है नगर प्रशासन। अब वो ये मेगस्थितिज कहता है कि मतलब नगर प्रशासन के लिए 6 समिति आती और प्रत्येक सदस्य में 5 सदस्य होते थे, तो नगर प्रशासन को एस्ट्रोनोमाई कहा जाता था। ठीक है, इस वाले में और एक फिर आ जाता है नगर प्रशासन हो गया न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन इसमें एक तो होता था दीवानी, एक फौजदारी। तो दीवानी जो न्यायालय के न्यायाधीश थे उसको धर्मस्थितिज न्यायालय के, न्यायालय जो रहती थी उसको धर्मस्थितिज न्यायालय कहते थे, और जो फौजदारी न्यायालय होती थी कंटक शोधक न्यायालय कहते थे, और जो कंटक शोधक न्यायालय था उसको जो न्यायाधीश था उसको प्रदेष्ठा कहते थे, प्रदेष्ठा। और जो ये वाली थी दीवानी न्यायालय थी धर्मस्थितिज न्यायालय, जिसको उसको बोलते थे इसके जज को व्यावहारिक न्यायाधीश। ठीक है, और वहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था भी थी, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे, महामात्य सर्प, महामात्य सर्प कहते थे, और गुप्तचर को कहते थे गुड पुरुष, गुड पुरुष। अब गुड पुरुष तो एक तो होती थी संस्था के रूप में विकसित, एक थी संचार के रूप में विकसित। यह क्या करते थे, यह एक जगह रहकर गुप्तचरी करने वाले होते थे जो संस्था वाली रहती थी, और ये घूम घूम कर जासूसी करते थे ये संचार वाले गुड पुरुष। अब वहां देख लेते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक स्थिति क्या थी, एक तो प्रतिसंतात्मक संयुक्त परिवार था, वर्ण व्यवस्था के वो मिले हैं, जाति व्यवस्था थी, विधवा विवाह दास प्रथा स्टार्ट हो गई थी, और ठीक है, और फिर आती है एक आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कैसी थी, कृषि आधारित थी, भूमि के प्रकार विभिन्न विभिन्न कर लगाए जाते थे, प्रमुख उद्योग धंधे कुछ थे, मुद्रा प्रणाली थी उसमें। तो अब इन सब के बारे में एक एक ढंग से देख लेते हैं, मतलब कैसी कैसी थी सामाजिक व्यवस्था। तो वो ये तो मतलब मोटा मोटी था, अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। एक तो ये प्रतिसत्तात्मक संयुक्त परिवार था, इसमें एक समाज 4 भागों में विभाजित था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, ठीक है, और जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी, और मेगनस्थीस था जो, उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित कराया, और वो कहता है कि मतलब भारतीय अपनी जाति नहीं बदल सकते थे, और उनके अनुसार वर्णशंकर जातियों को नगरों के बाहर रहना पड़ता था। वर्णशंकर जाति जैसे कि निषाद, पाशव, सपाक, अम्बष्ट, और उस टाइम पे महिलाओं की जो स्थिति थी वो संतोषजनक थी, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं थी इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन संतोष स्थिति थी। और चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसने जो कुलीन जो इलाइट वुमेन्स हैं मतलब कुलीन महिलाएं हैं उनको अनिष्कासनी कहा गया है, अनिष्कासनी बिना कारण किसी घर से नहीं निकलने वाली महिला, तो ये थी। और वैश्यवृत्ति राज्य के नियंत्रण में होती थी, और उनको वैश्या क्या कहते थे, गणिका कहते थे, और स्वतंत्र वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपाजीवी कहा जाता था मौर्य वंश में, और पुरुष कलाकार जो रहते थे उसको रंगोपजीवी कहते थे, महिला कलाकार जो रहते थे रंगोपजीवनी कहते थे वहाँ पे। और मैग्नीस्टीद कहता कि भारत में उस टाइम पे सूखे की समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन महास्थान शाक और अभिलेखों से अकाल राहत कार्य की
जानकारी भी मिलती है। तो इसके कुछ प्रमुख, ये मतलब एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों स्टेटमेंट मैग्नेस्टीज की। और मैग्नेस्टीज क्या था, भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन जो चाणक्य का अर्थशास्त्र उसमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिला, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई मैग्नेस्टीज की। और जो अशोक है, अशोक ने युद्धबंदियों को उत्पादन कार्य में लगाया था, ठीक है। और तलाक को क्या कहते थे, मोक्ष कहते थे वहाँ पे। और विधवा विवाह का प्रचलन कम हुआ था उस टाइम पे, वह विधवा जो पुनर्विवाह नहीं करती थी उसको छंदवासिनी कहते थे। तो ये तो कुछ थी सामाजिक स्थितियाँ। अब देख ले हैं आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी वहाँ से। आर्थिक स्थिति, एक तो जो व्यवस्था थी वो कृषि आधारित थी, ठीक है। और वो जो भूमि थी उनको कई भागों में बांटा गया था, जैसे उदय जैसे भूमियों कई भागों में, सीता भूमि होती थी, राजकीय भूमि कहते थे उस, राजकीय भूमि होती थी वाली, और सम्राट का उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था। और जो इस भूमि पर कितना बल वो वसूले जाता था, राजस्व कर 1/2। ऐसी सेतुबंध थी, वो सिंचाई व्यवस्था थी, कुछ इस प्रकार की चीज़ें थी। और उस टाइम पे मुद्रा जो प्रणाली थी वो आरंभ हो चुकी थी। सोने के सिक्के को सुवर्ण कहते थे, चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, धरण पर्ण कर्षाण कर्षपण, तो और तांबे के सिक्के को कहते थे भाषण कांकणी। तो कुछ ऐसी थी। और जो सामान्य ब्याज दर थी, ठीक है, वो 15% पे थी, और ब्याज पर मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता था। और ये कुछ, और जो घरेलू और वहाँ विदेशी व्यापार होता था। अब देख लेते हैं, जो चाणक्य की पुस्तक है उसमें क्या क्या लिखा है। तो एक तो ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट प्राचीन वो है पॉलिटिकल साइंस की बुक, और ये गद्य व पद्य में लिखी गई है। इसका इसमें इसमें प्रश्न उत्तर का प्रारूप में, जैसे क्वेश्चन आंसर ऐसे ऐसे टाइम में लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन बता दिया, फिर उसका आंसर लिखा है इस प्रकार। और इस पुस्तक में बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जानकारी मिलती है। और इस बुक को 15 भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया था मतलब चाणक्य ने। तो आज यहाँ ख़त्म होता है मौर्य जो भी कला थी, ठीक है, केंद्रीय, और जो उनका प्रशासन था उनके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे फारस आक्रमण, पर्शियन इन्वेजन के बारे में, वो भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।